बिना किसी मिलावट के बनी खाद्य वस्तुएं मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में शिमला ग्रीष्मोत्सव के मौके पर शिमला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा हिमाचली खाद्य एवं हथकरघा प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में हिमाचली हथकरघा और हिमाचल में बने खाद्य उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। इन्हीं स्टॉल में से एक स्टॉल नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह बगलती विकासखंड ननखड़ी जिला शिमला द्वारा लगाया गया है। इस स्टॉल में क्षेत्र की नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिसे स्थानीय निवासियों के अलावा शिमला घूमने आए पर्यटक भी काफी पसंद कर रहे हैं। हिमाचल खबरनामा से बात करते हुए नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह बगलती की सदस्य मीना देवी ने बताया कि समूह से जुड़ी सभी महिलाएं स्वयं ये सभी खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं और बिना किसी केमिकल मिलावट के ये ऑर्गेनिक खाद्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉल में उन्हें जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा नाम मीना देवी है, मैं ननखड़ी ब्लॉक से हूँ। हमारे ग्रुप का नाम नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं स्टेब हूँ और हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाए हुए हैं और जो हमने की खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं और ये खेतों में भी हम खुद तैयार करते हैं और बनाते भी हम खुद हैं। तो हमारा सबसे मतलब यहाँ के स्थानीय जो जनता है इनसे निवेदन है कि आप बेझिझक इसे खरीद सकते हो और इसमें ना ही तो कोई केमिकल में लाया जाता है, ना ही कोई दवाइयाँ डाली जाती है। हम इसे अपने हाथों से तैयार करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस काम के लिए हमें ब्लॉक द्वारा ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जो हमारे हमें फ्री दिलाई जाती है, ट्रेनिंग भी फ्री दिलाई जाती है। और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ फ्री स्टॉल दिए हैं और हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।